हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी डिक्टेशन 40 शब्द प्रति मिनट, जो कि स्टार्ट होता है अब। भौतिक विज्ञान में प्रयोग का अर्थ होता है कृत्रिम परिस्थितियों में प्रकृति की घटनाओं को घटित कराना। फुल स्टॉप। इस चरण में यह देखा जाता है कि परिकल्पित कारणों के आधार पर प्राकृतिक घटनाओं को कृत्रिम परिस्थितियों में घटाया जा सकता है या नहीं। फुल स्टॉप। यदि परिकल्पित कारणों के आधार पर घटना घट जाती है तो वह कारण उस घटना का नियम या सिद्धांत बन जाता है। इस परिस्थिति में तथ्यों को बहुत बड़ी संख्या में एकत्र किया जाता है। फुल स्टॉप। वस्तुतः भौतिक विज्ञान का यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक नियमों की जानकारी और इसका प्रमाणीकरण इसी चरण में पूर्ण होता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। वेद विज्ञान के अनुसार प्रयोग का स्वरूप भावातीत ध्यान है। फुल स्टॉप। इस चरण में तथ्यों को संख्यात्मक दृष्टि से एकत्र ना करके बल्कि गुणात्मक दृष्टि से एकत्र किया जाता है। फुल स्टॉप। इस विज्ञान में तथ्य के लिए एक नया शब्द इनवर्टेड कॉमा तत्व इनवर्टेड कॉमा क्लोज दिया गया है। फुल स्टॉप। यह तत्व मंत्रों के रूप में प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। मंत्रों का बार बार अभ्यास करने से अपेक्षित प्राकृतिक नियम का बोध हो जाता है। फुल स्टॉप। जो स्थान भौतिक विज्ञान में प्रयोग का है, ठीक वही स्थान वेद विज्ञान में भावातीत ध्यान का है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा।
भौतिक विज्ञान में जो कार्य परिकल्पना का होता है, ठीक वही कार्य वेद विज्ञान में भाव अथवा विचार का है। भौतिक विज्ञान में प्रयोग के पूर्व घटनाओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की परिकल्पना की जाती है और इन्हीं परिकल्पनाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रयोगशाला में सिद्ध किया जाता है। फुल स्टॉप। सिद्ध हो जाने पर वह सिद्धांत बन जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। जबकि वेद विज्ञान में परिकल्पना के स्थान पर प्राकृतिक घटनाओं के कारण को जानने के लिए आंतरिक रूप से भाव अथवा विचार करना पड़ता है, भाव से आशय मन की उस स्थिति से जिसमें अपेक्षित ज्ञान के लिए संकल्प किया जाता है। फुल स्टॉप। संकल्प का यह स्वरूप अत्यंत सहज और सरल होता है। यदि मन जटिल है और अहम के आधार भाव को अपनी चेतना में आने दिया जाता है तो अपेक्षित ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। फुल स्टॉप। भाव की उत्पत्ति एक बच्चे की चेतना के समान होती है। फुल स्टॉप। भावातीत ध्यान में उतने के पूर्व मन में एक संकल्प या भाव रखा जाता है। फुल स्टॉप। यही भाव मंत्रों के माध्यम से भावातीत ध्यान करते हुए सिद्ध हो जाता है, अर्थात उभरते हुए विज्ञान की भांति सिद्धांत के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट पैरा। भौतिक विज्ञान में प्राकृतिक नियमों की प्राप्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की
व्यवस्था के रूप में होती है, जबकि वेद विज्ञान में नियमों की प्राप्ति व्यवस्था के रूप में ना होकर व्यक्तिगत के रूप में होती है। फुल स्टॉप। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व से आशय प्राकृतिक नियमों की उस आकृति से है जिसमें शक्ति निहित होती है और इस आकृति विशेष को ही देवी और देवता कहते हैं। फुल स्टॉप। शक्ति का निषेधात्मक। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक आप ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी न्यू नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगी।